गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज श्वेता। और जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल गया है कि आज का वीडियो एक फिटनेस चैलेंज पर है, जो कि क्लोई टिंग, जो कि एक फिटनेस यूट्यूबर है, उनका चैलेंज बहुत लोगों ने किया था। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड कि मैं ये चैलेंज करूँ। तो बहुत लोगों ने ये चैलेंज किया था, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो आई एम ऑल्सो होपिंग कि मुझे भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। 2 वीक्स का वेट शेयर चैलेंज है और इसमें आपको वेट, जो लोग नहीं जानते हैं क्लोई टिंग कौन है, तो शी इज अ फिटनेस यूट्यूबर और उसके 2 वीक्स के प्रोग्राम्स रहते हैं, वेट शेयर चैलेंज, बैली रिड्यूस बेली फिटनेस, समथिंग लाइक दैट, बहुत सारे हैं। आप लोग अगर नहीं जानते हैं, मैं उसका लिंक आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज चेक करिए। और अगर आपको चैलेंज करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो मैंने ये 2 वीक शेयर चैलेंज इसलिए शुरू किया था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने काफी टाइम से कोई भी एक्सरसाइज नहीं की थी, मेरा खाना भी बिल्कुल भी अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। सो आई रियली वॉन्टेड समथिंग टू डू और क्लोई टिंग का मैंने ये काफी चैलेंजेस देखे थे। तो मुझे यूजुअली बहुत ज्यादा होप थी कि मेरे में मेजरमेंट्स में बहुत रिडक्शन हो जाएगा या मेरा वेट लॉस हो जाएगा, जस्ट मुझे चाहिए था कि मैं फिटनेस को लेकर कुछ करूं। लेकिन अगर मेजरमेंट्स में भी डिफरेंस आता है तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट, बट 2 वीक्स बहुत छोटा टाइम होता है, उसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। आपको कंटिन्यूअसली रखना होता है, तब आपके बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। तो यस, दिस इज अ 2 वीक चैलेंज और मैंने फर्स्ट डे पर अपना पूरा मेजरमेंट लिया था और फिर डे 14 पे मेजरमेंट्स लिए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। We'll be right back.
लास्ट डे ऑफ माय 14 डे क्रोएटिंग श्वेत चैलेंज. सो मुझे कैसा फील हो रहा है? अगर मैं बोलूं, मैंने इन 14 डेज में कोई भी अपना मेजरमेंट नहीं लिया है, तो मुझे पता नहीं कि मेरे बॉडी में क्या डिफरेंस आया. बट यस, मेरा स्टैमिना काफी इम्प्रूव हुआ है. जो मैं फर्स्ट टाइम जैसा कर रही थी और अभी जैसा कर रही हूँ, उसमें काफी चेंजेस है. और मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं पुशअप बिल्कुल नहीं कर पाती थी, नाउ आई कैन डू लिटिल लाइक नी पुशअप. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट हाँ, अब मैं नी पुशअप कर लेती हूँ. सो यस, रेगुलरली मुझे करने से ये फायदे हुए कि जो चीजें मैं नहीं कर पाती थी, अब मैं वो कर लेती हूँ. और मेरा स्टैमिना इंप्रूव है, मैं ब्रेक्स कम लेती हूँ. सो यस, दिस इज अबाउट द वर्कआउट. और मेजरमेंट मैं वर्कआउट के बाद कर लूंगी, क्योंकि फाइनल जो है, मैं वो 14 डेज कंप्लीट करने के बाद मेजरमेंट्स चेक करना चाहती थी कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस आया है. मेजरमेंट्स भी लेंगे, लेट्स सी कि क्या फर्क पड़ा है इस चैलेंज से. सो बाय गाइस, कल. सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने पूरे 14 डेज का ये चैलेंज कर लिया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. इसमें जो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी. लेकिन उससे पहले हम मेजरमेंट्स ले लेते हैं. और आई एम रियली होपिंग, मैंने बिल्कुल भी इसमें मेजरमेंट्स नहीं लिए थे. मुझे बहुत ज्यादा अपने बॉडी में वैसे तो डिफरेंस दिखा नहीं, लेकिन मेजरमेंट्स में क्या होता है कि एक इंच का डिफरेंस आपको कभी पता नहीं चलता है अनटिल लेस आप मेजरमेंट्स लो ना. तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. वेट लॉस भी लाइक 1 or 2 kg हुआ, सो विच इज वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी कि फिटनेस के साथ साथ अगर आपके कुछ मेजरमेंट्स या ये सब चीजें भी चेंजेस आ जाती हैं, तो बहुत अच्छा होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि मेरा स्टैमिना जो था वो डे बाय डे इंक्रीज हुआ. स्टार्टिंग में एज यू नो कि मैं बिल्कुल भी, आपने देखा है वीडियो में, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी. मैं 2-2 मिनट पे लाइक उसको रोक के मुझे पॉज करना पड़ा था, सांस लेनी पड़ी थी, पानी पीना पड़ा था, मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता. लेकिन डे बाय डे मैंने वो स्टैमिना इम्प्रूव, मेरा स्टैमिना इम्प्रूव हुआ और मैं फिर काफी अच्छे से कर पा रही थी.
यस, देर इज लॉट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स विच यू नीड टू फॉलो अगर आपको एक बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर तरीके से इस फिटनेस चैलेंज को आपको करना है. तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको वेट लॉस जो ये चैलेंज है उसके साथ आपको खाने पर भी पूरा ध्यान देना है. ऐसा नहीं कि आप बाहर का खा रहे हो तो आप प्लीज 2 वीक्स तक डेफिनेटली कुछ भी बाहर का मत खाइए. कोशिश करिए कि रिफाइंड शुगर से आप ब्राउन शुगर या जैगरी पाउडर पे आप स्विच करें और थोड़े बहुत जो होते हैं हेल्दी चीजें वो खाएं, बटर ना खाएं और फ्राइड चीजें ना खाएं. दीज आर स्मॉल चेंजेस इन फूड विच यू नीड टू फॉलो. एंड जो मेरे साथ मैंने जो फील किया, क्योंकि मैंने काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की थी, 4-5 महीने हो गए थे मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो मेरे लिए एकदम से जंप करना एक्सरसाइज में बहुत डिफिकल्ट था. तो इसमें आपका एक जो होता है हाई इंटेंसिटी का होता है और एक लो इंटेंसिटी का. तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने सीधा हाई इंटेंसिटी का, मेरे से नहीं हो पा रहा था. बट लेटर आई रियलाइज कि मुझे लो इंटेंसिटी करना है और ज्यादा मुझे चैलेंजेस, मतलब उसमें 2-3 का वो पैक्स रहता है तो मुझे वो करना था. तो मैं एटलीस्ट 2 तो वो करती ही थी जब मैंने लो इंटेंसिटी का शुरू किया. हाई इंटेंसिटी में वो एक भी नहीं होता था. तो आप अगर ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर हाई इंटेंसिटी. लेकिन आप मेरी तरह अगर ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या काफी टाइम से नहीं किया और एकदम से शुरू करें तो आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कीजिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो स्टैमिना बिल्डअप होगा देन यू कैन मूव टू हाई इंटेंसिटी. और उसके साथ यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है. आप एक्सरसाइज के बीच में भी थोड़ा सा सिप वाटर ले सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, लेकिन होल डे भी आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग नहीं करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें लेथार्जिक फील हो रहा है, हमारा अच्छा बॉडी फील नहीं कर रही है, सो दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सबसे ज्यादा अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. एंड द मोस्ट फाइनल इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप 2 दिन करके 4 दिन का गैप मत लीजिए, दैट विल नॉट गिव यू अ गुड रिजल्ट. आप जो भी उसमें बीच बीच में रेस्ट डे आते हैं आप उस दिन रेस्ट डे लीजिए और पूरा ये जो चैलेंज है 14 डेज का उसको रेगुलर कीजिए, गैप्स ज्यादा ना लीजिए. तो दैट इज माई फाइनल डूज फॉर दिस होल वीक चैलेंज एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप आपको भी मजा आया हो और आपको भी मोटिवेशन मिला हो कुछ ऐसा करने का. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज गो एंड चेक आउट. अगर आपको फिटनेस चैलेंज करना है यू कैन ऑल्सो डू इट. मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.